वेलकम टू माय चैनल क्रिएट व्यूअर। माय नेम इज शताब्दी मेमज। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप जब भी अपना नया बैट परचेस करने जाए तब किन किन बातों का ध्यान रखें। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग। आप जब भी अपना बैट लेने जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अपना बैट लेने जाए, जब उसका बैलेंस जरूर चेक कीजिए। अगर बैलेंस नहीं चेक करेंगे तो आप अच्छे शॉट नहीं करेंगे। और हाँ, वेट भी चेक कर लेना कि आपका वेट आपके हैंड और आपके उसके बराबर है या नहीं। पॉइंट, आपके बैट का बाउंस। इस लेवल तक आपकी बॉल बाउंस करनी चाहिए। आप ऐसे चेक कर सकते हो, अपने बॉल ले जाना जरूर। हाँ, जब भी आप बैट खरीदने जाओ, जब एक टेनिस बॉल या कोई से भी बॉल ले जाए प्लास्टिक के बॉल को छोड़ के, तो इस लेवल तक आपकी बॉल बाउंस करनी चाहिए। मेरी कर रही थी इसलिए मैंने ये परचेस किया है। और थर्ड पॉइंट, आपके बैट का साउंड। आप मैंने आपको बोला था कि आप एक टेनिस बॉल या फिर लैडर बॉल जरूर ले जाना। आपके बैट पे यूँ मार के साउंड चेक करना। जब बैट पे पॉलीथीन रखते हो तो ज़्यादा अच्छे साउंड नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसे कश्मीर विलो में ऐसा आना चाहिए, अलग अलग आता है कश्मीर विलो में। कश्मीर विलो तीनों जगह अलग अलग साउंड आता है। फोर्थ पॉइंट, ग्रिप। आप अपने बैट की ग्रिप चेक करना है। पॉलीथीन होती है तो आप ढंग से नहीं कर पाओगे, ना आपको एक अंदाज़ ज़रूर हो जाएगा कि ग्रिप आपकी अच्छी है या नहीं। तो आप दूसरे भी चाड़ सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसे चेक कर लेना। देखो, ऐसी ग्रिप भी आप ले सकते हैं दोस्तों। और ये ग्रिप मेरे को बहुत अच्छी ग्रिप दे रही थी, तो मैंने इसलिए ये बैट अच्छा सा परचेस करा है। तो फिर आपके बैट के डायमेंशन, ये एज भी बोलते हैं इसको। ये देखो, ये यहाँ से एक इंच की होनी चाहिए। आप ले जा सकते हैं टेप, तो एक इंच की अगर आपकी बैट की ये एज है तो आप समझ लीजिए आपका बैट लेदर बॉल से खेलने के लिए परफेक्ट है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा इसके अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर भी करना आपके दोस्तों को, उनको भी पता चले कि बैट कैसे खरीदते हैं। और हाँ, और अगली वीडियो आपको किस बारे में चाहिए इसके लिए कमेंट करना। बाय बाय।